खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं हुकूमत का शुक्र अदा करता हूं कि ये मेरा नाम ECL में डाले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने नहीं ला रहे, कल एहतजाज ज़रूर होगा, रेड जोन नहीं जाएंगे। निजी टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि रिजीम चेंज की साजिश के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जमात ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त की हुक्मरानी जमात को ज़मीनी इलेक्शन में भी बुरी शिकस्त हुई। फॉरेन फंडिंग का मतलब होता है कि अगर आप बाहर के पैसे मुल्क में लाएँ तो वह आप पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए इस पर पाबंदी है। हम पर इल्ज़ाम है कि हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा किया। किसी के कहने के ऊपर दूसरी रिपोर्ट बनाई गई। कंपनियों से पैसा 2012 में इकट्ठा किया गया जबकि कानून 2017 में दिया। तहरीक इंसाफ ने कोई कानून नहीं छोड़ा। एफिडेविट पर आप हलफ देते हैं कि जब पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाइड किया जाता है।